नमस्कार, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। सवाल नंबर एक, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ए हमीरपुर, बी धीरपुर, सी जगदीशपुर, डी रामपुर। और इसका सही जवाब है सी जगदीशपुर। सवाल नंबर दो, बिहार से ओडिशा राज्य किस वर्ष में अलग हुआ था? ए 1936 में, बी 1938 में, सी 1930 में, डी 1937 में। और इसका सही जवाब है ए 1936 में। सवाल नंबर तीन, पटना का सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी इंदिरा गांधी, डी बी आर अंबेडकर। और इसका सही जवाब है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर चार, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी विलियम बेंटिक, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड कार्नवालिस। और इसका सही जवाब है सी वॉरेन हेस्टिंग्स। सवाल नंबर पांच, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? ए गुरु नानक देव, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। और इसका सही जवाब है बी दयानंद सरस्वती। सवाल नंबर छह, पूना समझौता किनके बीच हुआ था? ए तिलक और जे एल नेहरू के बीच, बी अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, सी अंग्रेजों और महात्मा गांधी के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। सवाल नंबर सात, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? ए डेसिबल, बी वाट, सी हर्ट्ज, डी न्यूटन। और इसका सही जवाब है सी हर्ट्ज। सवाल नंबर आठ, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? ए सैमुअल हैनीमैन, बी हिप्पोक्रेट्स, सी चरक, डी सुश्रुत। और इसका सही जवाब है ए सैमुअल हैनीमैन। सवाल नंबर नौ, किस राज्य सरकार द्वारा समर्पण पोर्टल को लॉन्च किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। और इसका सही जवाब बी हरियाणा है। सवाल नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के दो उत्पाद सिरारखोंग मिर्च और तामेंगलोंग मैंडरिन संतरे को जीआई टैग दिया गया है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, डी मणिपुर। और इसका सही जवाब डी मणिपुर है। सवाल नंबर 11, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां उसे किस नाम से जाना जाता है? ए सांगपो नदी, बी दिहांग नदी, सी यमुना नदी, डी कोकिला नदी। और इसका सही जवाब सी यमुना नदी है। हमारे पिछले सेट में जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम इस स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।